गाइस, अगर अभी इस तरह से शानदार क्रिकेट की प्लेइंग 11 की वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी दोस्तों मात्र कुछ ही मिनटों में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ ऐसे क्रिकेट की वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले इमेजेस को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको गूगल पे आना और यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च कर लेना IPL T20। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको 3 लाइंस दिखेगी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए 3 लाइंस पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको टीम्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना, फिर मैन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपको हर एक टीम दिख जाएगी। अब सबसे पहले दोस्तों आपको जिस भी टीम का प्लेइंग 11 बताना उसका लोगो डाउनलोड कर लेना है। तो आपको जिस भी दो टीम का प्लेइंग 11 बताना उसका दोस्तों लॉन्ग प्रेस करके लोगो डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, इस तरह डाउनलोड कर लेना है। इसको जो दूसरी टीम है उसका भी लोगो दोस्तों आपको लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। याद रखिएगा, आप लोगो पे क्लिक करेगा तभी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो पे लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिखेगा। तो जिस भी दो टीम का प्लेइंग 11 बताना चाहते हो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों जिस भी टीम का आपको प्लेइंग 11 बताना है उसके नाम पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको स्क्वाड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको आ जाना और यहाँ से दोस्तों बस आपको कैप्टन की इमेज को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे कैप्टन की इमेज पे, इसके बाद डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ से कैप्टन की इमेज को डाउनलोड करना है। तो इमेज कैप्टन की जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दूसरी टीम भी सिलेक्ट कर लेनी है और उसका भी दोस्तों जो कैप्टन है उसकी आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको आना है। फिर यहाँ पे आपको स्क्वाड का ऑप्शन दिखेगा, स्क्वाड का ऑप्शन पे आने के बाद आपको कैप्टन की जो इमेज है उसको लॉन्ग प्रेस किए रहना और डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, बस आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड हो जाए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब यहाँ ऊपर फिर से 3 लाइंस दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो 3 लाइंस पे देखिए ऊपर आपको दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ मैचेस का ऑप्शन दिखेगा, तो मैचेस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना और यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग चलेगी, लोडिंग के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जितने मैचेस है उनका शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको तीन चीजें कॉपी करनी है दोस्तों। यहाँ से आपको देख लेना जो मैच होने वाला है वो किस स्टेडियम में होने वाला है, मैच का नंबर कितना है और यहाँ पे उसकी टाइमिंग क्या और उसका वेन्यू क्या है। ये तीन चार चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो मैच होने वाला है उसकी क्या टाइमिंग है, वेन्यू क्या है और इसके अलावा दोस्तों किस स्टेडियम में खेला जाना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है दोबारा से जिस भी टीम का मैच होने वाला है वहाँ पे, बस आपको आगे टीम लिखना और यहाँ पे CSK या फिर जो भी टीम है उसका नाम आपको लिख देना। तो लिखने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस में आना। इमेजेस में आने के बाद कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है, देखिए इस टाइप की। देखिए जिसमें ज्यादा प्लेयर्स हो, यानी एक टीम के ज्यादा प्लेयर्स हो, ऐसे टाइप की इमेज 16:9 की डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ तो मैं एक दो दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ डाउनलोड करके, आपको जिस भी टीम का मैच हो उसके डाउनलोड कर लेनी है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दूंगा यहाँ पे टीम MI। अब यहाँ पे देखिए मुंबई इंडियंस की जितने भी टीम होगी दोस्तों इमेज होगी आपको दिख जाएगी। इसमें से आपको कुछ इस टाइप की इमेज लेनी है जिसमें दोस्तों काफी सारे प्लेयर्स हो। तो इस तरह से देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग हो जाएगी और आपको फिर बैक आ जाना है। तो इतना चीजें दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपको लोगो डाउनलोड करना है फिर टीम की इमेज। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आके यहाँ पे सर्च कर लेना है जिस भी टीम का मैच है उसकी वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इस तरह से जैसे CSK का मैच है CSK.com जाना है। अब चेन्नई सुपर किंग पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जिस भी टीम का मैच हो आपको उसकी वेबसाइट पे चले जाना है। मुंबई का है तो मुंबई की, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का है तो बैंगलोर की। अब यहाँ पे दोस्तों इसके 3 लाइंस पर आप क्लिक करेंगे, जिस भी वेबसाइट पे आप जाएंगे जिस भी टीम की वहाँ पे आपको टीम्स का ऑप्शन मिलेगा और उसमें स्क्वाड का ऑप्शन मिलेगा। तो स्क्वाड वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस टीम का स्क्वाड दिख जाएगा। जो भी प्लेइंग 11 होने वाली है उनकी दोस्तों आपको फोटोज डाउनलोड कर लेनी है, यानी जो भी प्लेयर खेलने वाले हैं उनकी आपको फोटो को डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए दोस्तों आपको बस लॉन्ग प्रेस कर लेना और डाउनलोड इमेज कर देना है। दोस्तों इमेज को आप सीक्वेंस वाइज डाउनलोड करिएगा तो आपको आगे चल के ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यानी जो भी जैसे दोस्तों ओपनर है फिर दूसरे नंबर पर जो खेलने वाला है उसकी फोटो दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर का जो खिलाड़ी है उसकी फोटो आप तीसरे नंबर पर डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी वीडियो एडिटिंग करने में आगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, इस तरह से इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो ये PNG फॉर्मेट में इमेज रहेगी, इनको आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ तो मैं एक टीम की प्लेइंग 11 का आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, दूसरी टीम की प्लेइंग 11 आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों, काफी ज्यादा इजी है। अब इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रोजेक्ट का लिंक दिया गया है, उस पर जब दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वैसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको ड्यूअल टैब रैपिडली का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना, ऊपर ऐड आएगा कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 30 सेकंड वेट करना है। तो यहाँ पे चलिए टाइमर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 30 सेकंड आपको वेट कर लेना है। तो देखिए हमारा टाइम लगभग पूरा होने वाला है, यहाँ पे 10 से 12 सेकंड और रह गए, आपको यहाँ पे दोस्तों वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डुअल टैप टू गो टू लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर प्लीज वेट यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली से थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो ये देखिए गो टू लिंक आ गया, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए एक टाइमर दिख जाएगा। अब इस तरह से आएंगे तो ये देखिए 56 करके हो रहा है, जब दोस्तों 51 हो जाए तो ऊपर से आपको इसे कट कर देना। तो ये देखिए 52 हो गया,
2 के बाद जैसे 51 होगा ऊपर से आपको इसको कट कर देना है। तो कट करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्लोज का ऑप्शन दिखेगा। क्लोज के बाद आपको यहाँ पे गेट लिंक दिखेगा, तो इस गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप इस पे आएंगे तो देखिए यहाँ से आपको बैक आ जाना है। 2-3 बार आपको बैक आना है, जैसे गेट लिंक पे क्लिक करेंगे फिर से आपको बैक आ जाना है जब तक आपकी रियल वेबसाइट नहीं खुलती है। तो बैक आ जाना फिर से दोस्तों, 3री बार आपको क्लिक करना है गेट लिंक पे। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद 4थी बार आपको गेट लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार और बैक आना है और इसके बाद जो आपकी वेबसाइट है वो लगभग खुल जाएगी। तो गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक आध बार आपको वेट और कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे आप गेट लिंक पे क्लिक करेंगे 5 से 6 बार आप क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे सिंपली से जो यहाँ पे भी फाइल मटेरियल है वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए हमारा फाइल मटेरियल आ गया, आप एक बार लास्ट बार बैक कर दीजिएगा और यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे जो आपकी फाइल है वो प्रोजेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद मैं चलिए आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों इसे कैंसिल कर देना और यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइल है वो पूरी डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। अगर नया काइनमास्टर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको काइनमास्टर मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए। अब आपको दोस्तों ऊपर इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके कर देना। ओके के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी डाउनलोड किया उस फाइल में आपको चले जाना है। तो यार डाउनलोड का फाइल, अब यहाँ पे दोस्तों जो हमने अभी डाउनलोड किया था प्रोजेक्ट इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद देखिए इस तरह से राइट टिक आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको आपकी जो क्रिकेट की वीडियो है पहले से एडिटेड मिल जाएगी। बस दोस्तों यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट करना है चीज़ों का। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरी एक फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ईजी है, बस यहाँ से आपको दोस्तों जो प्लेयर का नेम है वो चेंज करना और फोटो चेंज करते जानी है, बाकी दोस्तों आपकी वीडियो पूरी एडिट हो जाएगी, जिसके लिए दोस्तों आपको घंटे की मेहनत करनी पड़ती थी। अब ये काम दोस्तों आप 10 से 15 मिनट में कर लेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों टाटा IPL दिख रहा है, तो इसे भी आप चेंज करना चाहे तो जो भी लिखना चाहे। जैसे अगर किसी इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या फिर दोस्तों जो भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी लिख लेना है, ODI है, T20 है, जो भी आप लिखना चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ओके कर देंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ से ऐसा अंडू कर देता हूँ। तो देखिए टाटा IPL 2023 आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्लेयर की फोटो को रिप्लेस करना है। तो ये प्लेयर की फोटो जो हमने कैप्टन की आपको शुरू में डाउनलोड करवाई थी, तो आपको कैप्टन की फोटो ही बस डाउनलोड करनी थी IPL की वेबसाइट से, तो आप इस तरह से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अंडू कर देंगे अभी फिलहाल। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे लोगो रिप्लेस करना है। लोगो भी मैंने आपको शुरू में एकदम डाउनलोड करना बताया था कि कैसे आपको लोगो को डाउनलोड करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोगो ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे बस आपको रिप्लेस करते जाना चीज़ों का। अगर CSK का मैच हो तो CSK का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जिस भी टीम का मैच हो उसको आपको रिप्लेस करके इस तरह से लगा देना है, जितनी भी इमेज वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि डेट और टाइम वेन्यू वगैरह आप याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों चेंज करना है। यहाँ पे देखिए जैसे टाइम है तो टाइम मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे 8 है तो मैं इसको 7:30 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7:30 में जैसे लिख दूंगा, यहाँ पे देखिए बस आपको टाइमिंग चेंज करनी है। बाकी दोस्तों एकदम पूरा एनिमेशन वगैरह सबसे कुछ पहले से ही लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे आप वेन्यू चेंज करना चाहे तो वो भी यहाँ पे आप सिंपली से कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इजी मैंने आपके लिए कर दिया, वरना दोस्तों आपको बार बार एनिमेशन लगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने कहा था कि एक जो प्लेयर्स वाली प्ले टीम है वो आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों वो काम आएगी। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है। फिर जो टीम वाली फोटो थी मैंने आपको याद करिए बताया था कैसे डाउनलोड करना है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना है, जिस भी टीम का मैच हो उसका आपको लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे अगर उसका साइज छोटा हो तो इस तरह से आप इसको पूरा फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये। आपको दोस्तों बस ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना है। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ अंडू कर देता हूँ दोबारा, कि जिससे दोस्तों मैं आपको बताने में आसानी हो। तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लोगो जो दिख रहा है वो लोगो भी आपको यहाँ पे सिंपली से चेंज कर लेना है। जिस भी टीम का मैच हो उसका आपको लोगो रख लेना है। तो लोगो डाउनलोड करना तो मैंने आपको बता दिया था कैसे डाउनलोड करना है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे टीम लिखी है, तो यहाँ पे जिस भी टीम का आपका मैच है वो यहाँ पे लिख लेना है। जिस भी टीम का मैच है MI का है तो MI प्लेइंग 11, इंडिया का तो इंडिया प्लेइंग 11, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान प्लेइंग 11, इस तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों बस अब यहाँ से काम आपका शुरू होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको CSK प्लेइंग 11 ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस भी टीम का मैच है वो कर लेना है। फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको लोगों की बात आती है कि जिस भी टीम का नाम के साथ जो लोगो है वो यहाँ पे आपको सिंपली से रख लेना है। फिर दूसरी वाली टीम का भी इस तरह ही करना है कि सेम जिस तरह से लोगो उस तरह से आप इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज चेंज आपको करना है वो दोस्तों टीम का नाम। टीम का नाम जो भी आपकी टीम का नाम है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। आपको मैंने एडिटिंग करना बता दिया, बहुत ही ज्यादा ईजी है। बस एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे आपको एडिट कर देना है। अभी मैं दोस्तों आपको आगे एकदम लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो पहली वाली है मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने आगे वाला जो गुजरात की प्लेइंग 11 है उसमें आपको चेंजेस करके लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको चेंज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। यहाँ पे बस आपको प्लेयर की रिप्लेसमेंट कर देनी है।
अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आके जब आप पहले की एडिटिंग कर लेंगे, यानी जो पहला वाला पोर्शन है, पहले टीम की जो प्लेइंग 11 है उसकी जब आप एडिटिंग कर लेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ उस पोर्शन पे करना क्या है। सबसे पहले बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। जैसे प्लेयर का नेम है ऋतुराज गायकवाड़, इस पर आपको क्लिक करना है, एडिट पे जाना, और जो भी दोस्तों प्लेयर खेल रहा हो उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कट करके, वो एकदम अच्छे से एनिमेशन वगैरह सब कुछ फॉन्ट अच्छे से लग जाएगा। बस आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है, फिर दूसरे प्लेयर का, तीसरे प्लेयर का, चौथे प्लेयर का, जितने भी प्लेयर्स हैं उनका आपको नाम इस तरह से लिखते जाना है। काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। जब दोस्तों ये काम हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इमेज है उसको भी रिप्लेस करना है। इमेज मैंने आपको बताया था कि जो भी टीम है उसकी वेबसाइट पे आप जाइएगा ऑफिशियल, वहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी, तो आपको डाउनलोड करना है। बस दोस्तों इस पर क्लिक करना है, रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, फिर जो भी दोस्तों प्लेयर है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने एकदम टाइमिंग आपको ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं करना है, यानी जिस हिसाब से सेट है बस आपको रहने देना, बस आपको रिप्लेस करना है। टाइमिंग आगे पीछे करेंगे तो आपकी जो एडिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो देख सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों इस वाले पोजीशन पे आपको आना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको टाइम दिख रही होगी, लगभग 54 सेकंड है। इस पे आपको आके यहाँ पे दोस्तों कैप्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा, कैप्चर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप साइड में देखिए, एकदम आपको स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स दिख रहा है, इस पे आपको दिख रहा होगा कैप्चर एंड शेप, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने से होगा कि जो अब हम गुजरात के प्लेइंग 11 बताएंगे तो उसमें भी दोस्तों ये पीछे का दिख जाएगा, वरना हमें आगे तक एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ऊपर इस पे आना है, रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी दोस्तों कैप्चर किया था इसको आपको सेलेक्ट करना है, जिससे दोस्तों हमारा जो ये वाले नाम है प्लेयर्स के ये भी शो होते रहेंगे, और जो हम आगे करेंगे एडिटिंग ये भी शो होते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको अब लाइव एडिटिंग करके दिखाता हूँ कैसे आपको एडिटिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमारा जो ऋतुराज गायकवाड़ है, जो कि दोस्तों गुजरात का प्लेयर नहीं है। अब इसको आपको करना है क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए प्लेयर की जो फोटो उसको रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। देखिए रिप्लेस सुमन गिल आ गए, अब यहाँ पे देखिए सुमन गिल का नाम एडिट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसके बाद दोस्तों एडिट पे जाऊंगा, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की जगह सुमन गिल लिख लूंगा। पहले वाले में भी सेम, जो पहले वाले की आप प्लेइंग 11 बताएंगे उसमें भी आपको यही करना है। उसमें दोस्तों आपको ऋतुराज गायकवाड़ लिखा होगा, तो जो भी जैसे मुंबई का है तो रोहित शर्मा लिख लेंगे, या फिर जो भी ओपनिंग वगैरह करते हैं उसको आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पे जो दोस्तों जो दूसरा प्लेयर है, अब यहाँ पे देखिए डेवन कनवे आ गए, इसको हम यहाँ से एडिट कर लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो भी हमारा दूसरा प्लेयर आता है गुजरात की टीम से, जैसे रिद्धिमान शाह आते हैं, तो यहाँ पे W हम और यहाँ पे W लिख के यहाँ पे दोस्तों शाह लिख लेंगे। तो देखिए हमने स्पेलिंग लिख दिया, आपको भी सेम अच्छे से एकदम स्पेलिंग को लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए एकदम सीक्वेंस वाइज रहे कि 1 के नीचे 2 रहे, थोड़ा सा आप इसको स्लाइड भी कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इमेज को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी यहाँ पे डेवन कनवे की इमेज आ रही है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको जाना है। फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपने जो वेबसाइट से इमेज को डाउनलोड किया था इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एकदम अच्छे से लग जाएगा ये। तो इस तरह से आपको जितने भी आगे प्लेयर्स हैं सभी को सीक्वेंस वाइज प्लेइंग 11 जान लेनी है। यहाँ पे चले तीसरे प्लेयर को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा मोइन अली का, तो यहाँ पे हम इसको एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद इसको दोस्तों ट्रिम कर लेंगे, यानी जो भी लिखा हुआ है टेक्स को हम काट लेंगे। और इसके बाद जो भी अगला प्लेयर आता है, यहाँ पे अगले प्लेयर का हम नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों अगले वाले जो प्लेयर आते हैं वो आते हैं केन विलियमसन, तो अपने केन विलियमसन का नाम लिख लिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको विलियमसन की फोटो लगानी है, तो यहाँ पे पहले आपको एडजस्ट कर लेना है 1, 2, 3 जो सीक्वेंस वाइज है वो आपको रख लेना है। टेक्स्ट को सीक्वेंस वाइज रखने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों देखिए फोटो भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने फोटो और टेक्स्ट को एकदम अच्छे से रख लिया है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर लेना, बाकी दोस्तों आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे मोइन अली की जगह हम यहाँ पे केन विलियमसन की फोटो लगा देते हैं, तो रिप्लेस के ऑप्शन पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, और दोस्तों जो हमने केन विलियमसन की फोटो डाउनलोड किया है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो सीक्वेंस वाइज फोटो डाउनलोड करने का ये फायदा होता है कि आप दोस्तों डायरेक्ट फोटो को लगाते जाएंगे और यहाँ पे एडिट होते जाएगा। तो इस तरह से पूरी प्लेइंग 11 को आपको एडिट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, आप इसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। दोनों ही दोस्तों पार्ट में, जो हमने पहला वाला पार्ट एडिट किया था यानी पहले टीम की प्लेइंग 11 उसको भी आपको एडिट कर लेना, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसके भी प्लेइंग 11 को एकदम अच्छे से एडिट कर लेना है। यहाँ पे देखिए एकदम एंड तक हमने पूरा एकदम अच्छे से एडिट कर दिया है, तो देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का काम करना है, फोटो रिप्लेस करती जानी है, आपको वेबसाइट से फोटो डाउनलोड करनी है PNG फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको आपको रिप्लेस करना है, और जो प्लेयर का नाम है वो एडिट कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों जो बीच में टीम आ रही है इसको आपको एडिट कर देना है। यहाँ पे शुरू में आप देख सकते हैं आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या कौन सी फोटो आ रही है। अब दोस्तों आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और अगर आपके पास आपके चैनल का लोगो है वो आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको दोस्तों लगा लेना है। तो छोटा सा करके आपको इस तरह से कॉर्नर में लेके जाना है, और इस तरह से आपको इसे लगा लेना है कि ताकि दोस्तों आपको कोई वीडियो कॉपी ना कर पाए, और कॉपी करे तो आप आसानी से उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकें, या फिर दोस्तों क्लेम वगैरह जो भी आप देना चाहे दे सकें। तो इससे दोस्तों आपके चैनल की ब्रांडिंग भी बढ़ती है। तो इस तरह से आपको पूरा स्क्रॉल करके इसको एंड तक लेके आ जाना है, यानी जहाँ तक आपने वीडियो एडिट किया उसके एकदम एंडिंग तक आपको आके जाना है। तो देख सकते हैं जब आप एंड तक पूरा आ जाए तो आपको करना क्या, अगर लोगो ऊपर फिट ना हो तो आप इसको नीचे भी लगा सकते हो, दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे भी लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी जहाँ पे खाली पोजीशन हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे नीचे लगाना प्रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे भी अच्छा लग रहा है, और इसकी ओपेसिटी आप थोड़ी कम कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे लोग कॉपी ज़्यादा कर लेते हैं। अगर फुल ओपेसिटी रहती है तो जो आपका लोगो है वो आसानी से विजिबल नहीं होता है, जब अगर कोई ऊपर लोगो लगा देता है तो आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली से वॉइस ओवर कर दीजिएगा, जब आपकी वीडियो एडिटिंग हो जाए तो आप इसे वॉइस ओवर करके भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट कोई अगर आप ऑडियो है आपके पास, यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है नो कॉपीराइट, वो लगा के भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा।
कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं आप एकदम एडिटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों बात आती है थंबनेल की, तो थंबनेल बताता हूँ आपको करना क्या है। जब आप एकदम शुरू में आएंगे और प्लेयर की रिप्लेसमेंट वगैरह कर लेंगे, दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आप एकदम स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पे देखिए जब फोटो वोटो एडिट हो जाएगी तो आपको करना क्या है, यहाँ पे साइड में एकदम कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना और कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना। दोस्तों यही आपका थंबनेल लगेगा जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बस यहाँ पे आप प्लेयर वगैरह की एडिटिंग कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आपकी वीडियो बन चुकी है, तो बस इसे आप अपलोड कर दीजिएगा।